अरे जब तुम्हारा टेंडर डिजिटल इंडिया के जमाना में तुम लोग टेंडर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, किस मुंह से बोलता है रे तुम लोग, मुंह से बोलता है कहीं और से है? रेलवे कहां से बोलता है? 2.5 साल हो गया टेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तक रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा यह सिर्फ आपको नहीं रेलवे को भी नहीं पता है कि कैसे एग्जाम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कब तक यह प्रक्रिया पूरा होगा कुछ नहीं पता है। यही चुनाव से पहले वैकेंसी आया था रेलवे का, 1 लाख बहाली निकला है रेलवे में, 1 लाख बहाली निकला है, सरकार बन गया, मंत्रिमंडल का दोबारा से विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार मतलब भैया जो नेता लोग चुनाव सरकार बनाने में मदद किया था ना, तो वो नेता लोग 2 साल अलग अलग कैबिनेट मंत्रालय में मजा मारा, अब नए नए मंत्री को उठाकर रख दिया गया है, यानी जितना भी नेता सरकार बनाने में मदद किया था ना सब मजा ले लिया मंत्रिमंडल का, सिर्फ दुखी कौन है तो छात्र। और भैया आप थंबनेल पर ये क्यों लिखे हैं कि कब शादी होगा, शादी से क्या लेना देना है? बाबू आप ये मत सोचना ना कि रेलवे 2.5 साल से आपका एग्जाम नहीं करवा रहा है तो आप जितना दिन का जिंदगी लिखवा कर आए हैं ना ऊपर से उसमें भी 2 साल का बढ़ोतरी हो गया, नहीं जितना दिन का जिंदगी लिखवा कर आए उतने दिन ही जिएंगे, उसमें 2.5 साल आपका रेलवे बर्बाद कर दिया इस जीवन का, सबको मरना है उसमें 2.5 साल आप बर्बाद कर दिए, किसके वजह से? रेलवे के वजह से। बाबू कल ना ट्विटर के ऊपर आपको ट्रेंड करवाना है, यही काम बच गया है, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर भी यही काम कर रहे हैं, हम लोग को भी खुद खराब लग रहा है टीचर ओवर क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बाबू पढ़ा तो आप ही लोग को रहना, तो खड़ा तो आप लोगों के लिए रहना ही पड़ेगा, तो कल 10 बजे इतना ट्विटर के ऊपर बम फोड़िएगा ना, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड करे, चलो विश्व में अगर किसी को बोल देना क्या तैयारी करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कैसा चल रहा है, एग्जाम कब है, एग्जाम का पता नहीं, कब फॉर्म फिलअप किए थे, 2.5 साल, सारा शर्मिंदगी से मुंह झुक जाएगा कि आप ऐसा डिपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप किए हैं जिसका एग्जाम का पता ही नहीं है। पहले एक जमाना था तैयारी किसमें करते, रेलवे का, फक्र आज ना घर से बाहर निकलते ना क्योंकि कोई छात्र बोल, जबकि छात्र बहुत मेहनत कर रहा है वो बोल भी नहीं सकता ना कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन आ गया बाबू। सीधा बात करते हैं, कल ना सुबह उठकर 10 बजे ना ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाना है क्या, तो एकदम सब छोटा, क्योंकि छोटा बड़ा में बहुत दिक्कत होता है, रेलवे _ग्रुप डी_एग्जाम डेट DATE है, ठीक है, ये आपको कल ट्रेंड करवाना है, अच्छे से देख लीजिए, मामा चाचा चाची मौसा दादा दादी सबके फोन से करवाना है, इतना धुआं मारना है ना बाबू कल ट्विटर के ऊपर ना ट्रेंड करने लगे, सच में अर्थ हो गया बर्दाश्त किया बाबू, ये दुख खत्म ही काहे नहीं होता यार, बहुत बर्दाश्त हो गया है, आप खुद देखो बाबू, तो सबका मां भी सोचती होगी ना कि बबुआ कब शादी होगा, कब पतो आएगी, कब बच्चा होगा, ये सब बात क्यों कर रहे हैं भैया, बाबू माँ बाप का सपना होता है, तो अगर पापा कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते होंगे ना कोई लड़की है शादी करने के लिए, तो लड़का क्या करता है तैयारी करता है, किसका, तो रेलवे का, चलो बाप को ये बोलने में ना बच्चा रेलवे का तैयारी करता है, बाप को इतना शर्मिंदगी महसूस होता है, ना इसमें गलती बाप का है ना इसमें गलती छात्र का है, गलती किसका है, सरकार। और एक बात तो इनका समझ ही नहीं आता है कि नेता लोग ना मतलब क्या 19 में वोट हुआ, बाबू एक बात देखिए आप सभी, आज के डेट में ना सबसे ज्यादा अगर भारत में कहीं बहाली निकल रहा होगा ना 2 राज्य में, ये 2 राज्य ना पूरा दिल खुश कर दिया है, एक उत्तर प्रदेश एक पंजाब, क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे बाबू ये दोनों राज्य ना आज के डेट में किसी से कम ही नहीं है, इतना बहाली इतना शिलान्यास हो रहा है, काहे भैया चुनाव आने वाला है का, हाँ इन दोनों राज्य में चुनाव होने वाला है इसीलिए बहाली निकल रहा है, तो आप युवा लोग ना वोट दीजिएगा सरकार बनाइएगा, सरकार बनने के बाद आपके पिछवाड़ा में सरकार लात मार के बाहर निकाल देंगे, यह सच्चाई है भैया, यूपी में योगी जी है मत बोलिए बीजेपी पार्टी का, अरे तो कांग्रेस भी तो है पंजाब में, दोनों को लपेट रहे हैं कोई भी पार्टी हो, बाबू नेता का चक्कर में काहे पड़े, अपना परिवार के बारे में सोचिए ना एक बार, अपने परिवार के बारे में माँ बाप पर क्या गुजर रहा है ये तो सोचिए आप सभी, ये काहे नहीं सोच रहे, हद है बाबू, अपना घर आज के डेट है बाबू, सीधा बात है कल सुबह उठ करना आपको भर भर कर ट्रेंड करवाना है, इतना करवाना है कि आपका एग्जाम निकल जाए बच्चा को, और एक रेलवे का नाटक तो गजबे है, ओहो दिल पूरा खुश, रेलवे पूरा दिल खुश कर देता है, जो आरआरबी के ना कितना बार हम कम से कम ना 28-29 बार कॉल किए होंगे इस 2.5 साल में एग्जाम डेट को लेकर, अलग कोई फोन ही नहीं उठाता है कोई जोन में,
और फोन उठाता भी है तो एक नाटक सुना देता है, अभी ना टेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। अरे जब तुम्हारा टेंडर डिजिटल इंडिया के जमाना में तुम लोग टेंडर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, किस मुंह से बोलता है तुम लोग? मुंह से बोलता है कहीं और से? रेलवे कहां से बोलता है? 2.5 साल हो गया टेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब बोलने में शर्म भी, क्या हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमको तो एहसास में चाहिए। 2.5 साल हो गया रे बकलोलवा, अभी तक तुम टेंडर डिसाइड नहीं किया है और अभी तक तुम टेंडर है टेंडर खेल रहे है, तो मर जाओ साले चुलू भर पानी मर जाओ। अभी तक तुम्हारा टेंडर डिसाइड नहीं हुआ, कहे का डिजिटल इंडिया रे भाई, जब तुम्हारा टेंडर ही डिसाइड नहीं हुआ 2.5 साल, 2.5 साल कुछ कहता है रे बच्चा? होली में ना हम होली मना रहे, अगला होली ना नौकरी लेकर मनाएंगे, दो तीन वो होली बीत गया, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, एग्जाम होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम, फिर आपका वेरिफिकेशन, बबुआ कब नौकरी लगाइएगा? सर नौकरी लगाइएगा 40 साल में, बच्चा पैदा होगा हमारा 41-42 साल में, मेरा बच्चा क्लास 10 में जाएगा ना, क्लास 10 में, उसके बाद ना हम ना लाठी पे आ जाएंगे, बबुआ मेरा क्लास 10 में पढ़ता। अरे साले मतलब कहा कैसा जिंदगी जी रहे हम लोग, आप भगवान से बोल करना कम से कम मेरे उम्र में ना 5 साल का बढ़ोतरी भी करवा दीजिए रेलवे, क्या कि आप 5-6 साल बर्बाद मेरा करने वाले, तो रेलवे को बोलकर बढ़ोतरी नहीं ये कैसे करवा सकते हैं, तो जिंदगी बर्बाद काहे कर रहे हैं 2.5 साल तक? अभी इस 2.5 साल में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एग्जाम बंद पड़ा है, पंचायत चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, कितना टीचर मर गया, चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, रैली हुआ कि नहीं हुआ, अभी बिहार में मुखिया का चुनाव निकल गया है, कितना सारा एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि टेंडर डिसाइड नहीं था। अरे जब तुम्हारा टेंडर डिसाइड नहीं था तो फॉर्म निकालने के लिए कौन बोला था? फॉर्म इसलिए निकाले थे ना, चुनाव था ना 19 के पहले, तो वोटवा कौन देगा? तो बाबू तुम लोग इतना हम लोग को इस्तेमाल कर लिया युवा को, क्या करे साहब, बेरोजगारी का मामला है और बेरोजगारी का फायदा तो सरकार उठेबे ना करेगी, थोड़ा सा वैकेंसी निकाल कर वोट ले ली, अब आपको लात मार दी है। अब सच्चाई बोले तो बहुत लोग कड़वा लगेगा, कड़वा लगना चाहिए नहीं बाबू, सच्चाई बता रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं बाबू, आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके साथ ही हम खड़े रहेंगे यहीं पर, ये मत टेंशन लेना कि भैया आप मेरे साथ खड़े नहीं है, कल ना बहुत ट्रेंड करवाना बाबू। अब बहुत लोग बोलेगा हैशटैग वो है वो है, बाबू कल कोई भी हैशटैग हो, बोलते लहर लहर, कल ऐसा लहर चलना चाहिए ना कि लहर में हॉट टैग में ना ट्रेंड कर जाए, एकदम याद रखिएगा। और कम से कम सभी के साथ ना इस वीडियो को शेयर करिए, जितने भी मेरे भाई बहन है सबके साथ वीडियो शेयर करिए, बर्बाद करके रख दिए बर्बाद।